क्रिकेट के इतिहास में बहुत सी बार अजीब घटनाएं होती रहती हैं। 2023 के आईपीएल में गुजरात और कोलकाता का वो मैच तो सभी को अच्छे से याद है, जिसमें रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में 5 छक्के मारकर टीम को मैच जिता दिया। लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली प्रीमियर लीग में यह घटना दोबारा से देखने को मिली है, जहां पर साउथ दिल्ली की टीम के एक बॉलर को 5 छक्के लगे और साउथ दिल्ली की टीम यह मैच हार गई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार साउथ दिल्ली का ऐसा कौन सा बॉलर है जिसको 5 छक्के पड़े हैं। तो अब आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के बारे में। दिल्ली प्रीमियर लीग का 2024 में पहला सीजन खेला जा रहा है और इस सीजन दिल्ली प्रीमियर लीग में दिल्ली की कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं। इस लीग की पहली टीम का नाम है सेंट्रल दिल्ली किंग्स, इसके बाद दूसरी टीम ईस्ट दिल्ली राइडर्स, इसके साथ ही तीसरी टीम पुरानी दिल्ली, इसके बाद चौथी टीम का नाम है साउथ दिल्ली और पांचवी टीम का नाम वेस्ट दिल्ली और इसके साथ ही लीग में अंतिम टीम का नाम है न्यू दिल्ली स्ट्राइकर्स। इस लीग का पहला सीजन 2024 में खेला जा रहा है और इस सीजन प्रत्येक टीम ने 10-10 मैच खेले हैं। अगर पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो वेस्ट दिल्ली ने सबसे पहले कम यानी कि 10 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे रही। इसके बाद सेंट्रल दिल्ली ने भी 10 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर रही। आगे अगर पॉइंट टेबल की बात करें, इसके बाद पॉइंट टेबल में नॉर्थ दिल्ली ने 10 में से 4 मुकाबले जीतकर, साथ ही नॉर्थ दिल्ली का एक मैच नो रिजल्ट रहा जिसके चलते यह टीम पॉइंट टेबल में 4थे पायदान पर रही। आगे इस लीग में पुरानी दिल्ली ने 10 में से 5 मैच जीते और पुरानी दिल्ली पॉइंट टेबल में 3रे पायदान पर रही। और अब अगर बात करें अंतिम फाइनल टीमों के बारे में तो साउथ दिल्ली की टीम ने 10 में से 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। साउथ दिल्ली की टीम की कप्तानी आयुष बडोनी के हाथों में थी। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली में भी 10 में से 7 मुकाबले जीतकर फाइनल का टिकट लिया। 2024 के पहले सीजन में ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली दोनों टीमों ने फाइनल में जगह बनाई और इन दोनों टीमों के बीच में फाइनल का मुकाबला 8 सितंबर को खेला गया। इस मुकाबले में ईस्ट दिल्ली ने साउथ दिल्ली की टीम को हराया और यह मुकाबला आखिरी गेंद तक चला। दोनों टीमों के बीच में खिताबी मुकाबला का जोरदार आगाज हुआ। जैसा ही कि अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस मैच देखने के लिए आए तो फैंस का पूरा पैसा वसूल हो गया। मैच की अगर बात करें तो दिल्ली ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 183 रन बनाए। एक समय लग रहा था कि यह टीम 160 रनों तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में मयंक रावत ने 5 छक्के जड़े और मैच का पूरा पासा ही पलट दिया और ये 5 छक्के लगने के बाद में मैच का पूरा मोमेंट ईस्ट दिल्ली की तरफ आ गया। मयंक रावत ने अंतिम ओवर में आयुष बडोनी को 5 छक्के लगाकर मैच का पूरा पासा पलट दिया और अपनी टीम के स्कोर को 183 रनों तक पहुंचाया। मयंक रावत ने 39 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए, जबकि टीम के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 21 रन जो कि हार्दिक सिंह ने बनाया था। इसके बाद जब 184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ दिल्ली टीम उतरी तो टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 13.5 ओवर में टीम 109 रन पर 7 विकेट गवा दिए। इसके बाद तेजस्वी दहिया ने 42 गेंदों में 7 चौके और 6 छक्कों की मदद से 8 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाल दी। हालांकि आखिरी ओवर में दिग्विजय राठी जीत की दहलीज को पार नहीं करा पाई। आखिरी ओवर में जीत के लिए साउथ दिल्ली की टीम को 19 रन की जरूरत थी। पहली गेंद पर दिग्विजय सिंह ने छक्का जड़ दिया और वहां से ऐसा लगने लगा कि साउथ दिल्ली की टीम के लिए दिग्विजय मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने अगली गेंद पर चौका जड़कर मैच को और भी रोमांच बना दिया, यानी कि आगे अभी 4 बॉलों में मात्र 9 रन की जरूरत थी। इसके बाद आगे तीसरी बॉल डॉट बॉल रही और आगे चौथी बॉल पर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से चौका जड़ दिया। यह चौका लगने के बाद अब साउथ दिल्ली की टीम को जीत के लिए 2 बॉल में 5 रन की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद 5वीं गेंद दिग्विजय के पैड पर जा लगी और यह बॉल डॉट बॉल रही। इसके बाद आखिरी बॉल पहले वाइड फेंकी गई, लेकिन वाइड फेंकने के बाद में आखिरी गेंद पर जहां साउथ दिल्ली की टीम को 4 रन की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद भी आखिरी गेंद डॉट बॉल रही और साउथ दिल्ली की टीम यह मैच 3 रनों से हार गई। लेकिन साउथ दिल्ली की टीम यह मैच हार जरूर गई, लेकिन इस मैच का रोमांच देखते ही बनता है। जहां पहली पारी में आयुष बडोनी को 5 छक्के लगे तो इसके साथ ही दूसरी पारी के में भी 19 रन का पीछा करने के लिए दिग्विजय ने कड़ी मेहनत और दिल्ली प्रीमियर लीग का पहला सीजन इस तरह बहुत ही खास रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।